राज्य खबर को स्वागत पल्लवी प्रथम हेडलाइंस। स्कूल ने विज्ञान प्रकल्प प्रदर्शनी उद्घाटित, खोला कुओं गली पड़ा हाथी, शुभ उद्घाटन सीमित मुख्यमंत्री सड़क योजना। वर्तमान संपूर्ण खबर। राजधानी भुवनेश्वर स्वनामधन्य बक्सी जगबंधु इंग्राजी माध्यम विद्यालय परिसर में अटल टिंकरिंग लैब उद्घाटित तथा आंतरविद्यालय प्रकल्प प्रदर्शनी अनुष्ठित होइछि। एहाकु मुख्य अतिथि भाव में विज्ञान प्रजुक्ति और सामाजिक सुरक्षा तथा भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री श्रीजुक्त अशोक चंद्र पंडा उद्घाटन करी पिलामानकर वैज्ञानिक मननशीलता वृद्धि निमन्ते एपरि पदक्षेप प्रशंसनीय बोली वक्तव्य प्रदान करथिले। उक्त समारोह रे सम्मानित अतिथि भाव में पूर्वतन डेपुटी मेयर तथा कर्पोरेटर श्रीमती के शांति जोगदेई पिलामानक भितरे अंतर्निहित वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले। विद्यालयर उपाध्यक्ष श्रीमती पल्लवी महापात्र स्वागत भाषण सहित ल्याब्र उपयोगिता उपरे वक्तव्य प्रदान करथिले। विद्यालयर अध्यक्ष मैडम संध्या जेना अटल टिंकरिंग ल्याब्र विद्यालयर आवश्यकता तथा विज्ञान प्रकल्प प्रदर्शनी द्वारा विज्ञान उपरे विस्तृत धारणा सृष्टि होइपरिब बोली निजर मतव्यक्त करथिले। विद्यालय परिचालना कमिटी परिचालक श्रीजुक्त प्रताप कुमार जेना छात्र छात्री मानकर सृजनात्मक और निजस्व भावना परिप्रकाश निमन्ते आह्वान प्रदान करथिले। विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति श्रीजुक्त रघुनाथ मिश्र जोगदे पिलामानकर वैज्ञानिक कौशल तथा प्रत्यक्ष ज्ञान लाभ निमन्ते उत्साही हेबाकु मतव्यक्त करथिले। अटल टिंकरिंग ल्याब्र कार्यकारी अधिकारी श्रीजुक्त लक्ष्मीधर मल्लिक धन्यवाद अर्पण करथिले। ठीक सेहीपरि भावरे द्वितीय अधिवेशन रे परिचालना कमिटी सभापति श्रीजुक्त रघुनाथ मिश्र, परिचालना कमिटी परिचालक श्रीजुक्त प्रताप कुमार जेना विद्यालय रे ए ल्याब्र उपयोगिता और पिलामानकर ज्ञानकौशल वृद्धि रे एहार अवदान उपरे आलोकपात करथिले। अध्यक्ष मैडम संध्या जेना कृतज्ञता ज्ञापन करथिले। उपाध्यक्ष श्रीमती पल्लवी महापात्र धन्यवाद अर्पण करथिले। अटल टिंकरिंग ल्याब्र संयोग अधिकारी श्री लक्ष्मीधर मल्लिक विवरणी पाठ करथिले। एही अवसर रे विभिन्न विद्यालय सर्वमोट 10 प्रकल्प प्रदर्शित होइथिला। एही अवसर रे विज्ञान आधारित संगीत और नृत्य परिवेशित होइथिला। एही प्रकल्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता रे बीजेएम 2 डीएवी यूनिट 8 एवं बीजेएम स्कूल श्रेष्ठत्व प्रदर्शन करी पुरस्कृत होइथिले। विद्यार्थी मानक लागि विद्यालय रे एही पदक्षेप बेस प्रशंसनीय अटे। भुवनेश्वर शैलेंदु कुमार के रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। जनबसति मुहां हेउछि जंगली हाथी, केतेबेले मारुछि त केतेबेले निजे मरुछि। हाथीकर सुरक्षा पई जंगल और परिवेश विभाग पक्षरु कोटी कोटी टंका खर्च हेउछि, हेले सेमानकर सुरक्षा नै एबे प्रश्न उठिछि। गत किछि मास हेब जाजपुर जिला बैरी वनांचल अधीनस्थ समिया पंचायत देहुरीगडा ग्राम निकटरे थिबा कळी पहाडरे हाथी पल रही संध्यारे ग्राम मध्यकु प्रवेश करी ग्रामरे बुली घर भांगिबा सहित बहु धन सम्पत्ति नष्ट करिबा, लाइन खुंटी भांगिबा, ग्रामवासी मानकु आक्रमण करिबा, डाळुओ धान फसल नष्ट करुथिबा बेले वन विभाग एहा जानी केवल जंगल मध्यकु घोडीबारे कार्य सारी देई हात उपरे हात देई बसी पडिथिले। आजि संध्यारे मा सहित एक छुआ हाथी जंगलरु ग्राम मध्यकु प्रवेश करि ग्रामरे बुलुथिबार देखि ग्रामवासी माने भयभीत अवस्था रे थिले। राति 10 समय रे ग्रामर एक मुकुला कुओरे एक हाथी छुआ पडिथिबार देखि ग्रामवासी माने वन विभाग को खबर देथिले। घटनास्थल रे वन विभाग रो कर्मचारी माने पहुंची जेसीबी सहाय्य रे कुओ को खोली सही हाथी छुआटी को दीर्घ 5 घंटा परिश्रम करी उद्धार करथिले। वन विभाग रो एही दायित्वहीनता पई एपरी घटना घटिथिबा माने ग्रामवासी माने प्रकाश करिछंती। बर्चणारु तापस मिश्रंक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। दिगहरा मुख्यमंत्री सड़क योजना उद्घाटन रे सीमित मुख्यमंत्री सड़क योजना काहेकि एते मिछ, निर्वाचन प्रचार पई काहेकि हेथिला एते प्रहसन, विभाग और विधायकंकर इच्छा शक्तिर अभाव। मुख्यमंत्री अनुदान पांठिरु अर्थ व्यय बराद परे उद्घाटन रे सीमित रहिछि सड़क योजना। जाजपुर जिला बड़चणा ब्लॉक सोलर ग्राम पंचायत कुंभेई ठारु बंतला ग्राम पंचायत उपुला मुल्लीझर पर्यंत दीर्घ 6.5 किलोमीटर रास्ता आज भी जराजीर्ण अवहेलित अवस्था। अंचलवासी को वरिष्ठ बड़चणा विधायक देखाई स्वप्न ताहा पुणी 2019 साधारण निर्वाचन पूर्व। मंत्री अशोक पंडा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, विधायक अमर प्रसाद शतपथी करकमल उद्घाटन कार्य सीमित रही निर्माण कार्य।
विशेषकर चाष को गुरुत्व दि जा उक्त प्रस्तावित मुख्यमंत्री सड़क योजना चाषी और साधारण लोक मैंने भोगुंट दुर्दशा तेज निर्माण कार्य कौन रही त्रुटि प्रस्ताव पूर्व बोधे समस्या बुझी नाला ग्राम्य उन्नयन विभाग बड़चणारे कहीं मिलू मिछ प्रतिश्रुति संपूर्ण निर्माण प्रस्ताव या 6.5 किलोमीटर कंक्रीट रास्ता 30 मीटर रे कहीं सीमित अधपंतर निर्माण उपरे कहीं नजर पड़ुनी विभाग एवं विधायकों आसंतु शुणा कौन अभियोग आभय ग्राम पंचायतर अंचलवासी ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षर संपृक्त ठिकादार को यह निर्माण कार्य करने निर्देश दि जाता हेले किंतु ठिकादार यही रास्ता कार्य निर्माण आरंभ करू करू चंपट मारी अभियोग आभय ग्राम पंचायतर अंचलवासी उक्त रास्ता उपरे निर्भर करी आखपाख पांच रु अधिक ग्राम पंचायतर लोक माने एहा निर्वाचन पूर्व शुभ उद्घाटन कर लोकं मिथ्या प्रलोभन देखाई नहांती तो विधायक एभली अनेक किछि प्रश्न मनरे आसुची आपण माने प्रथमे नजर पकांतु सोलर ग्राम पंचायत और बंतला ग्राम पंचायतर उभय पार्श्वर एक चित्र उपरे गोटिए पटे ठिकादार 20-30 मीटर कंक्रीट रास्ता आरंभ करितिबा दृश्य अन्य पटे केवल माटी पड़ी रास्ता सेतिकरे ही सीमित एहा अनेक प्रश्न सृष्टि करुछि कहा निर्देश रे विभाग एभली दायित्वहीनता ठिकादार को निर्माण कार्य हस्तांतर करितिले तेबे ठिकादार कहीं कार्य आरंभ करी चंपट मारिले ताहा तो विभाग कहिबो हेले लोकंकु भकुआ करथुबा राज्य सरकार और स्थानीय विधायक एहार की उत्तर देबे अंचलवासी दुर्दशा दूर हेब कि एभली अनेक अभियोग परे कौन कहउछंती स्थानीय लोके एपटे ग्राम्य उन्नयन विभाग सरकारी निर्वाही जंत्री यार समाधान खूब शीघ्र हेब बोली कहउछंती भाई आसलर रास्ताटा सेंसन हे कि टंका ए अछि बोली हम सुनिया पाउ तापरे मुलीझरु सोलर जंगे रास्ता हे गला जोटा कि पुरुणा रास्ता थला तापरे पिछु कर दे किंतु सोलर रु उपला पर्यंत रास्ता ए पर्यंत काम हे तापी चाषी मैंने भी चिन्ह दिगला गच्छ भी जो मान जगार से गच काटिक नहीं गले गच पत सब क्लीयर हो गाँव रोक बस पंचायत लोक बस सब क्लीयर कर एपर्तंत कहीं आम भी जापर आम एसडीओ को सरकार को अनुरोध करूँ शीघ्र रास्ता क्लीयर करूँ ना आम तो 10 किलोमीटर कि 20 किलोमीटर बुल्कि आस उपला बैरी देखनी आम धान कुटा कि नड़ा सब नहीं आस जो है बर्षा बर्षा जो है जो हैरान हरकत हो आम एक जानते तेनाली सरकार पाखे नवेदन कर गोटे सोलर ठर उपला पर्यंत गोटे रास्ता उन्नतिकरण पाई तार मुख्यमंत्री जरिया शुभ उद्घाटन कराई 19 मसीह से वर्तमान कौन पाई ब्रेक ब्रेक कर रखिंट आम तो हेटा जाणिना किंतु बहु लोकाल आखापाखि मानने पखापाखि लोक बंतला सोलर ठार सतलंडा बंदाल उपला ये सब लोक जातायात करने बहुत असुविधा रोचप बहुत परिश्रम कराई सब बंदोबस्त कराई किंतु कार्यक्रम किसी रास्तार तार कारण भी आम जापर ना तेणु सांबादिक जरिया सब जिनस केमी हम सहायता लोड़ी पाई बर्चनरु तापस मिश्रों रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। भुवनेश्वर स्थित पोखरीपुट ठारे आंतर्जातिक ख्याति संपन्न प्रवक्ता राजजोगिनी उषा दीदी गीता प्रवचन आसंता 7 तारीख रु आरंभ हेबो बोली एक सांबादिक सम्मेलन माध्यम रे फॉरेस्ट पार्क स्थित प्रजापिता ईश्वर विश्वविद्यालय शाखार ब्रह्मा कुमारी लीना दीदी सूचना प्रदान करिछंती। अधुना संपूर्ण विश्व तृतीय विश्वयुद्ध आड़क गति करुवा बेले माओवादी तथा सन्त्रासवादी कार्यकलाप वर्तमान वृद्धि पाइबारे लगी मनुष्य मध्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चरम सीमार पहुंची सारी सहित मनुष्य मध्य मूल्यबोध ह्रास पाई अधुना सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद भगवद गीत वर्णित धर्म स्नानी समय उपस्थित यही धर्मग्रानी समय निराकार परम पिता परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा मध्यम सहज गीताज्ञान और राजजोग शिक्षा द्वारा मनुष्य मध्य पुनः स्वधर्म एवं दैवी गुण स्थापना द्वारा एक नव विश्व निर्माण कार्य दीर्घ 8 दशंधरी चलु रही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हजार हजार ब्रह्मकुमारी ब्रह्मकुमार मैंने निजर
संपूर्ण जीवन को उत्सर्ग कर नवनिर्माण में अविराम गति में लागिपड़ एवं भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे अमृत महोत्सव पालन अवसर में यह अनुष्ठान विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजन कर जनमानस को जाग्रत कराऊलक्षे ब्रह्माकुमारी पोखरीपुट आनुकूल्य अनंत विहार विडीए पड़िया पेट्रोल सम्मुखटे एक त्रिदिवस गीता ज्ञान प्रवचन मे 7 तारीख ठारु मे 9 तारीख पर्यंत आयोजन माउंट आबूर आंतर्जातिक प्रवचिका राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी उषा दीदी प्रतः संध्या 6 8 पर्यंत एहि प्रवचन देवार कार्यक्रम रही सहित आसंताकाली एहि कार्यक्रम उद्घाटित होबाकु जाउथिबा बेले एक मनोज्ञ सांस्कृतिक कार्यक्रम होबार अनुष्ठित होब एहा सहित ब्रह्माकुमारी उषा दीदी 10 दिनिया ओडिसा गस्तरे विभिन्न कार्यक्रम रे योगदान करिवे बोली सूचना मध्य प्रदान करा जायतिला एक्चुअली आम माउंट आबू आम राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी उषा भी आसे जे इंटरनेशनल स्पीकर तांकर भगवत गीता उपरे बहुत कमांड अच्छे समय और परिस्थिति को देखिकी समस्त को मानसिक शांति परिवार रे शांति रो बहुत आवश्यकता अच्छे से आम ब्रह्माकुमारी उषा भी डाकिचे भुवनेश्वर को तो सी आस बहुत प्रोग्राम रही कि पोखरीपुट रे विशेष आमर 6, 7, 8, 9 चारिदिन इवनिंग रे 6-8 पर्यंत प्रोग्राम रखा जाइछि से प्रोग्राम रो सा जो टाइटल रखा जाइछि जीवन का आधार भगवत गीता का सार तो भगवत गीता पई हमे केमती कोन कोनके भगवत गीता द्वारा जीवन टा केमती फॉलो करि परबा ता पर से उपदेश देबे क्लास करिवे आमे चाहुछु बहुत संख्यारे भाई भन से टिके आसंतु निशुल्क अछि प्रवेशटा पोखरीपुट रे जो बीडीए ग्राउंड टा अच्छी मेन रोड परे सेठी से प्रोग्राम टा रख भुवनेश्वर शैलेंद्र कुमार के रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कोरोना रो 2 वर्ष परे ईद पर्व बेस आनंद उल्लास सहकारे पालित होई जायछि एक भिन्न धरणर ईद र मिलन देखिबा को मिलिथिला सीडीए रो इमाम पडा ठारे लिसा संगठन तरफरु लिसा संगठन तरफ़ ईद मिलन पालित होता बस्ती में या मुसलमान संप्रदायर मुरब्बी को उपढ़ोकन टोपी फूलतोड़ा दे संबर्धित करा बस्ती तरफ अतिथि एवं अन्य को संबर्धित मुख्य अतिथि भाव अभिनेता तथा चलचित्र बोर्ड अध्यक्ष कुना त्रिपाठी 6 वार्डर पूर्वतन कर्पोरेटर श्रीमती संयुक्ता साहू लिसार आवाहक आईनजीवी गदाधर साहू इंजीनियर निशाकर दास प्रफुल्ल कुमार दास विजु छात्र दल संपादक निखिल शाह चित्तरंजन साहू प्रमुख जोग देथिले सेक्टर 6 इमाम पड़ार बासिंदा माने मिसिकिरे आज गोटे ईद मिलन पर्व करछन एही बासिंदा माने गणेश पूजा करंदी सरस्वती पूजा करंदी एवं ख्रिश्चियन मानकर जे कोनोसी पर्व भी हो से पर्व मध्ये पालन करंदी तेणु मु काहे की बासिंदा कहली ए माने समस्त भाई 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 भौनी संपर्क रे बढ़िछन एठी केही पचारिनी जे कहा धर्म कोन ये गोटाए धर्म से धर्मटा हूँ मनीषर धर्म से धर्मटा हूँ भाई भाई धर्म तेणु ये ये लोकटी मुसलिम ये लोकटी ख्रीस्टियन ये लोकटी शिख ये लोकटी हिंदू ये भेदभाव एपर्तंत हो ना तेणुक गोटाए मंच में समस्ते जेकोसी पर्व आसिले से हिंदूकर मुसलिमकर शिखकर ख्रीस्टियान जो पर्व आसिले एकाठी एमती पालन करती आपड़ आज देखिए ईद मुबारक करुले का आपड़ देखिए जेसस क्राइस्ट पूजा होदिन आप देखिए जे सरस्वती पूजा व गणेश पूजा दुर्गा पूजा हो ये महान परंपरा कटक आज्ञा ये भाईचारा धर ये माटी भिन्न कथा दिए भिन्न संदेश दिए आमे माने जो माने कटकिया ये रही चु आमे माने छोटो बेलू यही देखिक बड़ यही कथा को नहीं कि बड़ हो आज मुसलिम संप्रदायर कथा कह जाए बहुत लोग जानते बहुत लोग जाणी भी नहाँ से उद्देश्य पदुटे कथा आज आम दुर्गा माँ को जो बड़े मेढ़ या हुए से जरी कम मुसलिम भाई ही कै मोर से नक ना एमती अनेक कथा अच्छे जब आपनार बर्तन व्याख्या करेंगे 7 राति पाइज आम गोटे चिंता कलु आम संगठन तरफ़ आम गोटे चिंता कलु ना आज आम ईद मिलन गोटे करवा सब सांबादिक डाक सब मुरई मान डाक किसी पॉलिटिकल लोक मान डाक बस्ती बासिंदा मान किसी संबर्धना करवा एमती कर गोटे कार्यक्रम आम रखी और 3 दिन धरी कार्यक्रम चलो ये कार्यक्रम आम रखी पिला संबर्धित करूँ नाच गीत करूँ से अधिकार विषय कहूँ आम बस्ती बासिंदा जेहेतु अच्छा आम निश्चिंत भाव आम अधिकार विषय जाना दरकार सरकार विभिन्न योजना विषय भी जाना दरकार ईदा होमान गोटे बड़ पर्व मुसलमान बड़ पर्व तेणुक से आम ये रखीचु हिंदू मुसलमान शिख साई आम समस्ते भाई भाई ये मुसलमान लोक रही हिंदू लोक भी रही ख्रीस्टियन भी रही तेणु समस्त आम पालन कर।
କଟକରୁ ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନକୁ ହତ୍ୟା। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ରାଧାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଅନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବସନ୍ତ ସାହୁ। ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ଯିବାବେଳେ ଠାକୁରପାଟଣା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବସନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଶାରଦା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ନେଇ ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧୀନ ରାଧାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଅନ ବସନ୍ତ ସାହୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସକାଳେ ଘରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରପାଟଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଟ୍ରକ୍ ରଖି ଛକି ରହିଥିଲା। ବସନ୍ତ ସାଇକେଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ବସନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିଲା ଯେ ସାଇକେଲଟିକୁ 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାରି ନେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବସନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବସନ୍ତଙ୍କର ଘର ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ରାଧାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଳିକଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଠାକୁରପାଟଣାରେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବସନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଶାରଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ପାରିବାରିକ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବାପା ଆଜି ସକାଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆସୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେଇଛି। ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ ଆମ ପଡ଼ିଶା। ବାପା କେତେବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ? ବାପା 8:30 ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା 4-5 ଦିନ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ଘର ପଡ଼ିଲେ ପାରିବାରିକ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ଭାଉଜ ପରକୀୟା ବିତି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗ ରଖିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ବାଡ଼େଇଥିଲୁ କେବେ ସେଇ ଝଗଡ଼ାରେ। କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା? 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଘର ଭିତରେ ସେ ପିଲାଟେ ପଶିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବଳ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ତାପସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କମନା ବ୍ଲକ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱଧାଦେବ ସିଂ। ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ସୋସେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଓ ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ସୋସେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବନବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଜାହିର କରିବା ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କୋମନା ବିଡିଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଣା ଏବଂ ସିବିଡିଏ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ହଁ, ଏଠି ସୁନାବେଡ଼ା ସୋସେଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଯେ ଆମର ଟିକେ ରିମୋଟ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ଅଛି ଅର୍ ଯେସେ ଆମର ସିବିଡିଏ ଏରିଆରେ ବି ଆସିଛି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅର୍ ସିବିଡିଏର ଅଫିସର୍ସ ତାଙ୍କର PMU ତାଙ୍କର ଯେ FNGO ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ଅର୍ ସାଙ୍ଗରେ BDO ଅର୍ PRI ମେମ୍ବର୍ସ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଅର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏଠି ଅର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖଠୁ ନେଇଯାଇପାରିବା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନଟ ଆଡ଼ବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଏକାମ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଉପକଣ୍ଠ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଦେବଙ୍କର ନବକଳେବର ସ୍ମାରକୀ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, କଳସ ପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଆବୃତ୍ତି ପୂର୍ବକ ଦଧିବାବନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହିତ ଆଳତୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଷେକ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ପୂଜାନୀତିକୁ ପଣ୍ଡିତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ପଣ୍ଡିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୁରୋହିତ, ପଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା, ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜା ପଣ୍ଡା, ସୁଜିତ ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା, ଭାଗବତ ଦାସ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପୂଜାରେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ସୁନ୍ଦରାୟ ସାବିତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରାୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ସର୍ବଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପାଇକରାୟ ଅନିତା ପାଇକରାୟ ସୁବାସ ସୁନ୍ଦରାୟ ହୃଦାନନ୍ଦ ମଙ୍ଗରାଜ କାଳିଆ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। କାମର କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଦେବଙ୍କର ଆଜି ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାରର ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାରୋହରେ ବହୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଅତୁଟ ହୋଇ ରହୁ ଆଉ ସେହି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଦେବଙ୍କର ସର୍ବଦା ଜୟ ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଖୋଲା କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ହାତୀ। ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ସୀମିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।